जिम्मी नाम का एक चूहा था। एक दिन जिम्मी बहुत ही भूखा था और उसको खाने के लिए कुछ ना मिला। उसने हर जगह बहुत ढूंढा परंतु उसे भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त ना हो पाया। कई दिनों तक यही हाल रहा। जिम्मी बहुत दुबला पतला सा और दुर्बल बन गया। एक दिन जिम्मी कुछ बोरियों के पास चल रहा था, उसी वक्त उसे मकई का एक बोरी मिला। जिम्मी मकई को देखकर खुश हो गया। टोकरी में एक छोटा सा छेद था। अंदर घुसने के लिए जिम्मी के लिए वो छेद काफी था और प्रतीक्षा किए बिना जिम्मी मकई पर टूट पड़ा। जिम्मी आसानी से टोकरी के अंदर चल गया और मकई को जल्दी जल्दी खाने लगा क्योंकि जिम्मी भूखा था। वो बहुत सारी मकई को निगलने लगा। जिम्मी रुका ही नहीं और धीरे धीरे उसका पेट बढ़ता गया। सारी मकई खाने के बाद जिम्मी बहुत ही मोटा हो गया। अब जिम्मी टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था परंतु वो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि टोकरी का छेद बहुत छोटा था और जिम्मी का मोटा सा पेट उसमें गया ही नहीं। उसी समय जिम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि कुछ भी अधिक अच्छा नहीं होता।